नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं संजू शरण आपके साथ। आज मैं राष्ट्रीय जैन की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं, और कहानी का शीर्षक है मुट्ठी से फिसलती रेत, जो मानवीय जीवन की मानवीय जीवन से ली गई कहानी है, जो हृदय को झकझोर देती है। वसुधा जी और आकाश जी के जिंदगी के इस पड़ाव पर थक कर मान चुके थे कि उनका बेटा राघव अब उसके पास नहीं आएगा। वो दोनों बहुत दिनों तक उसका इंतजार करते रहे और फिर दुखी होकर रह जाते थे, तो सोचा करते थे कि उसे भुला ही देना चाहिए, वरना अक्सर रात को उसकी बातें बातें करते और रोते थे। जितना उसे याद करते उतना मन दुखी होता था। कुछ दिनों के बाद वसुधा जी को हार्ट अटैक आया, तब भी उन्होंने राघव को खबर नहीं दी। सोचा आएगा तो नहीं, रहने दो, लेकिन शायद उसके पड़ोस में रहने वाले मित्र ने उसे बता दिया। राघव अपनी पत्नी नीता को लेकर माता पिता की लेकर आया। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि उनका प्यार करने वाला बेटा उसके दर्द उनके दुख दर्द के समय लौट आया है। उसे अपने माता पिता की बहुत परवाह है। एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि सब कुछ बदल गया। नीता ने जब देखा कि राघव का मन अपने माता पिता की तरफ द्रवित हो रहा है और उसका प्यार बढ़ता जा रहा है, साथ ही राघव की बातों से उसे यह लगने लगा कि शायद वह विदेश ना जाए, वापस ना जाए और यहीं बस जाए, उसे अपनी चिंता होने लगी। उसने बहुत अपनी बहनों से सलाह ली कि अब क्या करें। उन्होंने समझाया कि कुछ भी हो, तुम अपने पति को लेकर वापिस चले जाओ, वरना ये माता पिता के मुंह में यहीं रह जाएगा। नीता ने भरसक प्रयास किया कि हर छोटी बात का बतंगड़ बनाना शुरू किया। घर में बात बात में क्लेश शुरू किया। माँ से कहा कि मैं और राघव किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रहेंगे। बड़ी मुश्किल से वहाँ अच्छी नौकरी मिली है। आप यहाँ कोई नर्स और फुल टाइम मेड रख लो, आपका काम चल जाएगा। हमें वहाँ जाना जरूरी है। माँ से उसने यहाँ तक कह दिया कि आपको इतना परेशान करेंगे कि आप खुद ही हमें यहाँ से जाने के लिए कहोगी। उसे इतना भी नहीं ख्याल आया कि ऐसी बीमारी में एक बेटा अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है तो ऐसा व्यवहार न करे। राघव से कहा कि इन लोगों को हमारा यहाँ आना सुहा नहीं रहा है। कुछ इन्हीं तरह की बातों से आखिर उसने राघव को जाने के लिए मना लिया। बिना समय गवाए खुद ही टिकट बुक कर लिया। वसुधा जी को रोते हुए सिर्फ एक ही बात का जवाब नहीं मिलता था कि इतना अच्छा बेटा था उनका, अब इतना कैसे बदल गया। मेरे साथ इतने प्यार और अपनेपन से रहता था, अब कैसे सब भूल गया। और ना ही अब इसे अपना कोई फर्ज याद है। बस एक ही प्रश्न दिमाग में अटका रहता था, शायद होनी को यही मंजूर था। आखिर नीता ने वही किया जो वो चाहती थी। माँ बेटे में कलह करवा कर राघव को विदेश ले गई। सचमुच में ये कहानी जिसके साथ घटती है, जिसके जीवन में इस तरह का बेटा होता है, बहू होती है, सचमुच में हम कभी उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करें, उन्होंने कितना पीड़ा झेली। सच, हम मानव अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते खून के रिश्तों को भी हम तोड़ देते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि आने वाला कल में उनके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अच्छी विचार पालें और लोगों के लिए सोचें। और मैं इस छोटी सी कहानी से अभी मैं विदा लेती हूँ, और मैं यही चाहूंगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को जल बचाने के लिए सिखाएं, पेड़ लगाने के लिए सिखाएं, पेड़ लगाएं, धरती बचाएं। और इसी के साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। रेडियो हिंदुस्तान।